नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। और आज की ताज़ा खबर में मोदी केयर से कांग्रेस के इलाज का ऑपरेशन, पीएम ने शुरू की आयुष्मान भारत योजना, गरीबी पर विपक्षी दल को घेरा। प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, देश के 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी जी ने कहा है कि गरीबों को अमीरों जैसा इलाज मिलेगा। गृह मंत्री ने लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। 1350 तरह की बीमारियों का होगा फ्री इलाज। 1.18 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान को फिर दुबई में चटाई धूल। नक्सलियों ने टीडीपी के विधायक की जान ली, महिलाएं थीं हमलावरों में, पूर्व विधायक भी मारा गया। टेलीकॉम कंपनियों को 33,000 करोड़ का झटका दे सकता है डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के इस कदम की निंदा की है। शांति वार्ता पर भारत के इनकार के बाद इमरान खान पर सवाल, पाक में घिरे इमरान, विपक्ष ने कहा मोदी को चिट्ठी भेज कराई बेइज्जती। राजस्थान में जीका वायरस का पहला केस, चपेट में बुजुर्ग। यूपी ट्रिपल एससी इंटरव्यू पैटर्न में हुए बदलाव, अब नाम में नहीं सिर्फ रोल नंबर से होगा इंटरव्यू। 12,460 अध्यापक भर्ती में 5,948 को ही मिला नियुक्ति पत्र, 24 जिलों में पदों की संख्या शून्य थी, 6,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी। रुपया गिरने से निर्यात भी घटा, भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का व्यापार और तेल कीमतों पर असर के साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव दिख रहा है। वोटर्स इन मालदीव्स फ्लॉक टू कास्ट बैलेट डिस्पाइट पॉलिटिकल टर्मोइल। नेपाल रिस्टोर्स कैंसल्ड मेगा हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फर्म। और दोस्तों, इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।